हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि के पावन अवसर पर किस प्रकार अखंड ज्योति जलाएं और अपनी मनोकामना पूरी करें और उससे हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हर पूजा में दीपक का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में ये भक्त की भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है, इसलिए दीपक के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। नवरात्रि क्योंकि 9 दिनों की होती है, इसलिए इसमें अखंड ज्योत जलाई जाती है, अर्थात ये पूरे 9 दिन तक दिन रात जलने वाला दीपक होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर संकल्प लेकर कलश स्थापना करते हुए अखंड ज्योति जलाई जाए तो व्रत की समाप्ति तक इसे बुझना नहीं होता। ये पूजा में विघ्न का प्रतीक होता है और आने वाले समय में संकटों का संकेत देता है। इसलिए जब भी नवरात्रि का संकल्प लेकर आप अखंड दीपक जलाएं तो इनसे कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। अक्सर लोगों को लगता है कि अखंड ज्योति सिर्फ पीतल के दीप पात्र में ही जलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीतल को शुद्ध माना जाता है, इसलिए पूजा में इसे बने पात्रों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अगर आप पीतल का दिया नहीं जला सकते तो आपको जानना चाहिए कि मिट्टी का दीप पात्र भी उतना ही फलदायी है। मिट्टी भी शुद्ध माना जाता है, इसलिए पूजा सामग्री रखने या दीपक के रूप में मिट्टी के पात्रों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जलाने से 24 घंटे पहले इसे साफ जल से भरें, किसी बर्तन में पानी में पूरी तरह डुबोकर रखें। दरअसल भट्टी से निकले हुए मिट्टी के बर्तन सोखते की तरह काम करते हैं, इसलिए अगर आप पानी में भिगोए बिना आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो जितना तेल जलने में इस्तेमाल होगा उतना ही ये सोख लेंगे। इसलिए 24 घंटे भिगोने के बाद उसे पानी से निकालें और किसी साफ कपड़े से पोंछ कर सुखा लें। अखंड ज्योति का दिया कभी खाली जमीन पर नहीं रखा जाता, इसलिए चाहे तो आप चौकी या पटरे पर इसे जला सकते हैं या देवी के सामने जमीन पर रखें तो दिए को रखने के लिए अष्टदल अवश्य बनाएं। ये अष्टदल आप गुलाब या रंगे हुए चावलों से बना सकते हैं, पीले या लाल चावलों से भी जैसा आप फोटो में देख रहे हैं ऐसा बना सकते हैं। अखंड ज्योति में जलाने वाला दिया कभी बुझना नहीं चाहिए, इसलिए इसकी बाती विशेष होती है। ये रक्षा सूत्र से बनाई जाती है। सवा हाथ का रक्षा सूत्र पूजा में प्रयोग किए जाने वाला जान वाला कच्चा सूत लेकर उसे सावधानी पूर्वक बाती की तरह दिए के बीचों बीच रखें। किसी भी पूजा में दीपक के लिए शुद्ध घी का प्रयोग किया जाना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर घी ना जला सके तो तिल या सरसों का तेल भी जलाया जा सकता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इनमें अन्य तेलों की मिलावट ना हो और ये पूरी तरह से शुद्ध हो। आप घी या तेल का दीपक जला रहे हैं तो इससे देवी के सामने दीपक रखे जाने का स्थान तय होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप घी का दीपक जलाया है तो ये देवी की दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन अगर दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखा जाना चाहिए। दीपक जलाने से पूर्व की सभी तैयारियां पूरी होने के पश्चात आप इसे जलाएं जाने की बारी आती है। इसके लिए एक खास नियम का पालन किया जाना आवश्यक है। सबसे पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, माता दुर्गा और शिव जी का ध्यान करें। अगर किसी विशेष मनोकामना के साथ अखंड ज्योति जला रहे हो तो उसे मन में सोच लें और माता से प्रार्थना करके पूजा की समाप्ति के साथ ही वे पूर्ण हो जाएगी। नवरात्र में अखंड ज्योति जलाना स्वास्थ्य के लिए काफी स्वास्थ्यकारक और अच्छा माना जाता है, क्योंकि 9 दिन तक अखंड ज्योति जलने से घर में 9 दिन तक घी और कपूर की खुशबू महकती है, जिससे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। इंसान को सांस लेने में भी शुद्ध हवा प्राप्त होती है। गाय के घी की महक इंसान की प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करती है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी बढ़िया कर देती है। नवरात्र में विद्यार्थियों के लिए अखंड ज्योति जलाना काफी फायदेमंद और शुभ माना जाता है। इस ज्योत से विद्यार्थियों का चिंत शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है। कई विद्यार्थी इस ज्योत की मदद से 9 दिन में शतांग योग भी कर लेते हैं, जिससे उनकी बुद्धि क्षमता बढ़ती है। इस अखंड ज्योति को भक्त के विश्वास की ज्योत माना जाता है। ये वैसे ही जैसे छोटी सी ज्योत अंधकार को खत्म कर देती है, इस ज्योत के जलने से घर में 9 दिनों तक कभी भी अंधकार नहीं छाता। एक ज्योत हमेशा जली रहती है, जो लोगों के हमेशा सकारात्मक बनाए रखने में मदद करती है और नकारात्मक सोच को हवा को बाहर निकालती है और हमारे मन को शांत कर देती है। साथ ही साथ हमारे काम और धंधे में बरकत होने लगती है, हमारे सारे पाप धुलने शुरू हो जाते हैं और हमारा मन बहुत शांत हो जाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप चाहते हैं अगर आपको इतना ही पसंद आ रहा है तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना तो कभी ना भूलें, ताकि फ्यूचर में हमारे चैनल पर आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।